एंड हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली चिकन पुलाव की रेसिपी तो उसके लिए गाइस मैंने यहां पे कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिया है मैंने यहां पे चार चिकन के लेग पीसेस लिए थे इनको अच्छे तरीके से वॉश करके कट कर लिया है फिर गाइस मैंने यहां पे चार मीडियम साइज के अनियन लिए थे और उसको भी स्लाइस कर लिया है

दो टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ से आठ हमने छोटी साइज की ग्रीन छिज ले लिया है फिर मैंने गाइस यहाँ पे दो तो मीडियम साइज के मेरे थे उसको भी स्लाइस कर लिया है फिर गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो हमने यहाँ पे तीन कप चावल लिए है सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पे एक तेजकी ले लिया और तेजकी के अंदर मैं एक कप ऑयल ऐड करूंगी इसके अंदर हम अपने अनियंस ऐड करेंगे गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने जुकार पेस्ट फिर गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन अच्छे तरीके से मैं चिकन को कुक कर लेंगे जब तक के जो इसका जो टोन है वो पिंकिश से वाइटिश टोन गोल्डनिश में नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे एंड कुक करते रहेंगे फिर गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने गरम मसाला फिर गिरफ अच्छे से किस मिक्स कर लेके फिर गाइस हम इसके अंदर अपने मेरे ऐड करेंगे गाय hey इस हमें अच्छे तरीके से इसे प्रॉपरली मिक्स करना है फिर गाइस 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद मेरा के जो चिकन का जो हमारा करी टाइप का है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है अब इसके अंदर हम ऐड राइट प्लम्स ऐड करेंगे इसमें इसके अंदर आप फिर गाइस इसमें इसके अंदर ऐड करेंगे अपना योगर्ट फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस एज एट टोल्ड यू के हर स्पाइस एक टेबल ही है सॉल्ट से लेके अः चिली पाउडर क्रश चिली खोडर पाउडर फिर गाइस हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस है वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स हो जाए हमारे करी में फिर गाय इसके अंदर ऐड करेंगे पानी जैसे कि मैंने आपको बताया हमने यहाँ पे तीन कप चावल के लिए है इस तो वजह से हम प्रॉपरली uh, छः कप पानी के डालेंगे इसके अंदर अब देख सकते हैं गाइस मेरी जो तेजकी है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने क्रीम चिलीज So now, guys, we're going to put the light on, and we're going to cook it onto the low flame for approximately two to three minutes. And after, guys, two to three minutes, as you guys can see, there's a nice boil into our curry. And at this point, guys, I washed my rice before five minutes, and I rinse it into the water for approximately two to three minutes and i washed my rice two to three times and now i'm adding my rice all into my curry and now guys we're going to mix it properly so now guys we're going to put the lid back on and after i think 5 to 6 minutes this is how our rice looks so i cooked my rice on at this point for on low flame and now we're going to put the lid back on and leave it on to stove for 5 minutes and guys after 5 minutes this is how my rice looks as you guys can see it's totally soaked into the water एंड इस स्टेप पे भी हम लोगों ने इसको दम लगाना है लाइक like हमें इसको स्टीम पे रखना है उसके लिए मैंने यहाँ पर एलुमिनियम फॉइल एंड उसको हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे एंड अगेन हम लोग अपना लेट दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे प्रॉपरली चारों तरफ से इसको हम कवर कर देंगे इसको हम अपने गरम गरम स्टोव के ऊपर ही रखेंगे चूल्हा बंद कर दीजिएगा लेकिन आपने इसे स्टोव के ऊपर ही रखना है ताकि हमारे गरम गरम स्टोव की इसे हीट पड़ती रहे एंड यहाँ पे गाइस हमारा गायती है मैंने इसको छठ मेरा वाइट अनियंस एंड ग्रीन चटनी वाले रायते के साथ सर्व किया है इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल से घर पे बन के तैयार हो जाता है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज